अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आरएफ लर्निंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से ऑटोमेटिक वीडियो को अपलोड कैसे करेंगे और ऑटोमेटिक वीडियो को पब्लिश कैसे करेंगे। इस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन से डेली की सैकड़ों यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करके अपने चैनल को बहुत जल्दी से बूस्ट दिला सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, उससे पहले आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं कि आप 1000+ वीडियो एक दिन के अंदर कैसे अपलोड कर सकते हैं। ये वाली आप वीडियो देख सकते हैं कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए। मोबाइल वाला तरीका भी इंशाल्लाह उसके ऊपर काम हो रहा है, वो भी मैं आपको बहुत जल्द अपलोड करूँगा, वो भी इस चैनल के ऊपर, कि आप मोबाइल फ़ोन से किस तरीके से वीडियो को ज़्यादा वीडियो यानी कि 200-300 वीडियो आप डेली मोबाइल फ़ोन से कैसे अपलोड करके उसको ऑटो पब्लिश कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपने एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। आपने प्ले स्टोर के ऊपर आ जाना है। प्ले स्टोर के ऊपर आपने आने के बाद यहाँ पर सर्च कर लेना है ऑटो क्लिकर मैक्रो। ठीक है, ये वाली आपके सामने क्लिक मेट भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, क्लिक मेट आपने इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपने इसका तरीका मैं आपको बताता हूं कि इस एप्लीकेशन के ज़रिए हम वीडियो को ऑटोमेटिक अपलोड करेंगे। ऑटोमेटिक अपलोड करने के बाद ऑटोमेटिक उसको पब्लिश भी करेंगे। दरअसल ये जो भी हम काम एक दफ़ा परफॉर्म करते हैं, ये काम रिकॉर्ड कर लेता है और फिर ये वाली एप्लीकेशन उसको बार बार रिपीट करती जाती है। ठीक है, इसकी सेटिंग अब आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने इस ऐप को ओपन कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले ये वाली हमारे पास ऐप आ चुकी है, क्लिक मेट। ठीक है जी, इसको ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, एनेबल सर्विस। ठीक है, एनेबल सर्विस यहाँ से आपने इसको एनेबल कर देना है। ठीक है, अलाउ कर दें। अलाउ करने के बाद स्टेट का ऑप्शन आपके सामने आएगा, आपने इसको कर देना है अलाउ। ठीक है, अब आपके सामने ये वाले इस तरह के तीन आइकन आ जाएंगे। ठीक है, अब आप दोबारा यूट्यूब के ऊपर आ जाते हैं अपने। ठीक है, लें जी, अब आपके सामने ये तीन ऑप्शन आ चुके हैं। ठीक है जी, ये जो रेड वाला ऑप्शन है, सबसे पहले हमने रेड वाला ऑप्शन, ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये मैं अब आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों हमने क्या करना है, ऑटोमेटिक अपलोड और ऑटोमेटिक पब्लिश, और टैग भी ये खुद ही प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसकी रिकॉर्डिंग ऑन कर लेनी है। ठीक है, ये रेड ये जो आइकन है इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जो भी काम मैं यहाँ पर मोबाइल फ़ोन के ऊपर ऑपरेट करूँगा ये रिकॉर्ड कर लेगा। रिकॉर्ड करने के बाद हम इसको दोबारा प्ले करेंगे तो जो भी काम मैंने पहले ऑपरेट किया है ये खुद बहुत अब ये ऑटोमेटिक उसको ऑपरेट करेगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग के ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं अब टास्क परफॉर्म करूँगा, वीडियो अपलोड और पब्लिश का। रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक किया मैंने, यहाँ पर अपलोड, उसके बाद हमने शॉर्ट वीडियो को सिलेक्ट कर लिया, ये हमने शॉर्ट वीडियो सिलेक्ट कर ली। नेक्स्ट, यहाँ पर हम अब देंगे जो टैग टाइटल है, यहाँ पर टाइटल पेस्ट किया, डन, अपलोड शॉर्ट। अब इसको हम बंद कर देंगे। ठीक है जी, ये जो भी काम मैंने किया है ये इस एप्लीकेशन में रिकॉर्ड हो चुका है। और ये वाला प्ले वाला जो बटन है ना, ये वाला प्ले वाला बटन, जब हम इसको करेंगे क्लिक और ये ऑटोमेटिक जो काम मैंने पहले किया है ये ऑटोमेटिक उसको रिपीट करता जाएगा। ठीक है जी, दरअसल ये वाला इस एप्लीकेशन का काम है। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी, मैं आपको इसकी थोड़ी सी सेटिंग बता दूँ। सेटिंग में हम जाएंगे, ये थ्री लाइनें आपको नज़र आनी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऑप्शन। ठीक है, ये वाला टास्क हम इसको सेफ भी कर सकते हैं, और सेफ करने के बाद हम इसको, अच्छा ये आपको सेफ एज़ का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये जो हमने टास्क अप्लाई किया है ना इसके ऊपर हम अब इसको टास्क को सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग सेव कर लेते हैं। अपलोडिंग शॉर्ट्स ऑटो, इसको ये वाला टाइटल मैं दे देता हूँ। ठीक है जी, लोड के ऊपर ये अपलोडिंग शॉर्ट्स। ठीक है,
ऑटो, ये पहले भी हुई है, ये अब मैंने अभी किया, इसको अब हम एक्सपोर्ट के ऊपर करेंगे तो ये ऑलरेडी हम हमारा उधर ये रिकॉर्डिंग, ठीक है, हम उसको प्ले करेंगे तो वो चल पड़ेगी। जब हम इस एप्लीकेशन को बंद करेंगे फिर हमने यहाँ पर लोड के ऊपर आकर ये थ्री डॉट के ऊपर करना है और यहाँ हम इस एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये दोबारा ऑन हो जाएगी, ठीक है। अब हम कितनी दफ़ा इस टास्क को, यानी कि कितनी दफ़ा आप वीडियो को पब्लिश करना चाहते हैं, कितनी दफ़ा वीडियो को अपलोड करना चाहते हैं, यहाँ पर आपने काउंट सेलेक्ट कर लेने हैं, काउंट रिपीट काउंट, यानी कि ये ऐप कितनी दफ़ा रिपीट करे इस टास्क को। यहाँ पर अगर हम 100 दफ़ा वीडियो अपलोड करना चाहते हैं वही, तो यहाँ पर हम 100 सेट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आ गया पॉज टाइम बिफोर रिपीट, यहाँ पर टाइम ये कह रहा है कि एक टास्क, यानी कि ये फॉर एग्जांपल एक वीडियो इसने अपलोड की है, दूसरी वीडियो ये कितनी देर बाद अपलोड करे, यहाँ पर आपने टाइम सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ मिली सेकेंड्स हैं और मिली सेकेंड्स, ये कन्वर्ट मिनट टू मिली सेकेंड, आपने कन्वर्ट सेकेंड टू, यानी कि इसका मतलब ये है कि आपने इसका टाइम सेकंड्स में रखना है या मिनट में। अगर आपने मिनट में रखना है तो आपने यहाँ पर कर देना है कन्वर्ट मिनट्स टू मिली सेकंड, ठीक है। आपने ये आप देख सकते हैं ये मिली सेकंड्स है, ठीक है। तो ये मिली सेकंड्स काउंट होते जाएंगे, एक मिनट के बाद आपकी वीडियो दोबारा पब्लिश होगी। जो भी आप टाइम सेलेक्ट करना चाहते हैं, आपने सेकंड में करना है तो सेकंड कर सकते हैं, मिनट्स में करना चाहे तो मिनट्स में कर सकते हैं, आप इससे मिनट करने के बाद कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से आप इस यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको फ़िलहाल स्किप कर देता हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी से अपलोड होती जाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आप प्लेबैक स्पीड भी इसकी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये प्रो वर्जन में अवेलेबल है, ठीक है। वापस आ जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। अब जो भी मैंने टास्क यहाँ पर प्रोवाइड किया था, इसको जो भी मैंने रिकॉर्डिंग की थी, अब उसको मैं प्ले करने लगा हूँ। ये प्ले का ऑप्शन नज़र आ रहा है, जो भी मैंने पहले किया था ये उसको खुद बहुत ऑपरेट करेगा, ये आप देख सकते हैं, ये अब ऑटोमेटिक सब कुछ हो रहा है। मैंने इसको बस अपने हैंड को पीछे किया हुआ, ये ऑटोमेटिक ये इसको पब्लिश करेगा, ठीक है। जो भी काम मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है ये उसको ऑटोमेटिक करेगा, ठीक है, ठीक है जी। एक हमारी वीडियो पब्लिश होगी, अब हमारी दूसरी वीडियो पब्लिश करेगा, क्योंकि 100 का हमने इस यहाँ पर टास्क दिया हुआ है इसको 100 वीडियो पब्लिश करनी, तो ये जब तक 100 वीडियो पब्लिश नहीं होंगी ये स्टॉप नहीं होगा, ये करता जाएगा। इस तरीके से हम ऑटोमेटिक वीडियो को अपलोड भी कर सकते हैं, अपलोड करने के बाद उसको ऑटोमेटिक पब्लिश भी कर सकते हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपने इसको ऑन करके मोबाइल फ़ोन को साइड पर रख देना है, और इस तरीके से ये ऑटोमेटिक वीडियो को अपलोड भी करेगा और ऑटोमेटिक पब्लिश भी करता जाएगा, ठीक है जी। तो ये एक हम आपके साथ एक सीक्रेट ट्रिक शेयर करनी थी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है, इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर आपको बेशुमार यूनिक तरीके मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है, आपने स्किप नहीं करना, लाजमी से सब्सक्राइब करना। तो ये आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं। अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो आप इसको ऑपरेट करें, अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो आपको इंशाल्लाह मैं कमेंट कर रिप्लाई लाजमी दूंगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अब मैं इसको पास करके आपको वीडियो दिखाता हूं कि कितनी वीडियो इसने पब्लिश कर दी है। अब इसको मैं कर देता हूं स्टॉप। स्टॉप करने के बाद हम आ जाते हैं अपने चैनल के ऊपर, तो योर चैनल, ये आप देख सकते हैं इसने, ये आप देखें इसने 1 2 3 4 वीडियो पब्लिश कर दी हैं, ठीक है, ये आप देखें, ठीक है, ये 2 वीडियो, ये 5 सेकंड, 33 सेकंड, 42 सेकंड्स, ये आप सेकंड्स देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी वीडियोस ये कभी पब्लिश हो रही है, ये आप देखें, इस एप्लीकेशन के ज़रिए ये 5-6 वीडियो हमने पब्लिश कर भी दी हैं एक चैनल के ऊपर। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी इसके ऊपर काम कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड।